तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है कि आप इस मुकाम पे पहुंच गए हो और करोड़ों रुपए इनफैक्ट कमाए रहे हो? कुछ दिन बाद यहाँ पर BMW, थार, Lamborghini सब खड़ा होगा। पहले मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं, बट प्यार लाइफ टाइम उसी को करूँगी। जब से दी इस मुकाम पे पहुंच गया, पैसा कमाने लगे हैं, तो दी के पास क्या ईमेल आते हैं पता है? स्पॉन्सर तो आता है, उससे कई गुना ज़्यादा किससे आता है? शादी के लिए प्रपोज करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज प्रशांत एंड मैंने जो बात बोला था कि एक सरप्राइज लाने वाला है, ठीक है, तो आज वो सरप्राइज आ ही गया। हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो सीरीज जो है वो पॉडकास्ट है। आज हमारा पहला पॉडकास्ट है और हमारा जो पहला जो आज का स्पेशल गेस्ट है उनका भी पहला पॉडकास्ट है, तो यही बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है, ठीक है। हमारा जो स्पेशल गेस्ट है उनके बारे में अगर मैं बताऊँ, उनके एक यूट्यूब चैनल है जिनमें 50K के करीब सब्सक्राइबर हैं। 50K कोई कम नहीं है, 50,000। अगर 50,000 लोगों को एक जा करते हैं तो सोच सकते हो क्या होगा। और इंस्टाग्राम तो है नहीं कि इसमें फेक फॉलोअर्स पैसों से बढ़ाएंगे, पूरा रियल है। तो अभी उनको इनवाइट करते हैं हमारे चैनल में, द वन एंड ओनली सुपर वूमन एंड सुपर मॉम, मिस शताब्दी विश्वास। बोलो या राय बोलो तुम? विश्वास, बिकॉज एक सरनेम ससुराल की और एक मायके की। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है कि आप इस मुकाम पे पहुंच गए हो और करोड़ रुपए तो इनफैक्ट कमाए रहे हो? सॉरी, करोड़ नहीं है बट लाखों बोल सकते हैं। एंड इनका जो मेन इनकम अभी तक आया नहीं है, वो आएगा, तो अब बताइए कुछ। मैं नॉर्मली फील करूँ जैसे मैं पहले करती थी, मैं अभी वैसे फील करती हूँ। मेरे अंदर कोई चेंजेस वगैरह कुछ नहीं है, बट हाँ, एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आ गया है खुद के लिए। हाँ, ये भी चीज़ है कि पैसा आने से कॉन्फिडेंस रहता है, बिना पैसे के कॉन्फिडेंस नहीं रहता। उसके बाद आप जिस हालात में थे और अभी यूट्यूब आपको हेल्प भी कर रही है, सिर्फ यूट्यूब सिर्फ आपको हेल्प नहीं कर रही, आप लोगों को हेल्प कर रही है। कैसे? आपको देख के इनफैक्ट अभी लाखों ऐसे लोग होंगे इंस्पायर हो रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं खुद हुआ जब इनसे मैं बात किया, मतलब इनके वीडियोस देखा ना, अभी कैसे हो सकता है ऐसे, मतलब जिस हालात से निकल कर आए हैं, मतलब बहुत कम लोग ही कर सकते हैं। तो आपके लिए तो पुनर्जन्म ही होगा ये। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैं दो बार गई थी बालकनी में कूदने के लिए, तो मेरे लिए पुनर्जन्म ही है ये। तो आखिर ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि बहुत जवाब है, मैं देना नहीं चाहती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, फिर उनको ही ट्रोल करते हैं जब उन लोग कुछ आगे करना चाहते हैं। तो आप इन्हीं के बीच से निकल कर इस मुकाम पर पहुंच गए, तो कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? मुझे जब मेरे पहले स्पॉन्सर के पैसे मिले थे तो लोग मुझे पूछने लगे कि आपने क्या किया उन पैसे का। मुझे जितना भी मिला हो, 50, 70, 80, 1 लाख जो भी मेरे को मिला हो, अब क्या किए उस पैसे का। तो ये मेरा पर्सनल मैटर है कि मैं क्या की हूँ क्या नहीं की हूँ। मेरी बेटी के लिए सेविंग की, पापा को दी, मैं रखी, है ना। तो यही लोग हैं जो कल को बोलते थे कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। और जब मैं कुछ थोड़ा सा इनकम करने लगी हूँ तब उन्हीं को ईर्ष्या होने लगी है। हाँ, ऐसा होता है, जैसे कि मतलब पहले लोग जैसे जिस नज़र से देखते हैं, सक्सेस होने के बाद कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बहुत ईर्ष्या करती है उनसे, उनको मतलब देखने से उनको जलन होता है, ऐसे मतलब बहुत लोग हैं। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो लाइक तो दूर की बात है, रिप्लाई भी नहीं करते, बट मैं ऑलमोस्ट सबको लाइक रिप्लाई करती ही हूँ। यहाँ आई हूँ तो यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, नहीं तो मैं रिप्लाई तो ज़रूर करती हूँ 100%। जैसे कि मैं आपके जो भी ब्लॉग देखता हूँ, अगर उसका कमेंट सेशन में जाता हूँ तो हर एक कमेंट में आपका जो हार्ट होगा वो रहेगा साथ में रिप्लाई। और मैं लोगों को बोलते भी देखा हूँ कमेंट करते हुए कि आप बहुत ही अच्छे हैं, इतने बड़े यूट्यूबर हमको मतलब रिप्लाई दे रहे हैं। और यूट्यूबर ऐसे नहीं देते हैं, अक्सर जो लोग भी सक्सेस होते हैं उनके ग्राउंड लेवल मतलब पहले जो चीज़ रहते हैं उनको भूल जाते हैं। बट मैं आपको देखा तो पहले भी आप जैसे थे अभी भी वैसे ही हैं, अभी भी आप लोगों को रिप्लाई देते हैं, उसके बाद लोगों को टिप्स देते हैं कि कैसे आप भी ग्रो हो सकते हो यूट्यूब में। इनफैक्ट बहुत ऐसे यूट्यूबर्स हैं, थोड़ा सा चैनल ग्रो क्या हो गया, पहले अगर कमेंट का रिप्लाई देते थे, अगर कोई बात करते थे, उसके बाद बात भी करना बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। एंड आप थोड़ा बताएँगे आखिर ऐसा ही क्यों रहना चाहते हैं, आप पसंद करते हैं दूसरे यूट्यूबर की तरह क्यों बनना नहीं चाहते? क्योंकि सादगी में सुंदरता है। सादगी में सुंदरता। अब अभी ये बताइए कि
जो वुमेंस हैं हाउस वाइफ्स हैं, बहुत से ऐसे हैं आपकी तरह, बट उन लोग भी अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो कैसे कमा सकते हैं, कुछ थोड़े बहुत अगर आपको पता होगा। देखो, हर किसी को यूट्यूब वीडियो बनाना पसंद नहीं है और हर कोई बना भी नहीं सकता। किसी को घर में बिजनेस करना पसंद है, किसी को ट्यूशंस पढ़ाना पसंद है, तो जिसकी जैसे स्किल है वो उस तरीके से अपना बिजनेस मतलब प्रॉफिट कर सक इनकम कर सकते हैं। हाँ, इनफैक्ट अभी के टाइम में बहुत तरीके हैं पैसा कमाने के लिए, अगर मैं इसको कुछ ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। इसमें अभी तक डिजिटल इंडिया आ गया, डिजिटल इंडिया में क्या है कि इंडिया फिर भी 10 साल पीछे चल रहा है अमेरिका से। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, 10 साल पहले अमेरिका में क्या हो रहा था कि रिमोट वर्क हो रहा था। रिमोट वर्क का मतलब क्या है कि मतलब आप घर में बैठ के जॉब कर रहे हो, कंपनी में जाने की ऑफिस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इंडिया में कोरोना के बाद ही, मतलब कोरोना से ही स्टार्ट हुआ, इसको पहले इंडिया में पता ही नहीं था कि रिमोट वर्क अभी होता क्या है। एंड डिजिटल में सब लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलता कैसे किसी को नहीं पता, डोमेन क्या है वो किसी को नहीं पता, बट सब यूज़ करते हैं, यूट्यूब वीडियोस सब देखते हैं, पर वो वीडियोस बनता कैसे ये नहीं पता। तो ये सब सीख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग क्या होता है इस बारे में आगे बात करेंगे। जिन लोग अभी अर्ली 20s के हैं तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या वो गलती ना करें और क्या करना चाहिए उनके लिए कि उन लोग अपनी लाइफ को आगे बेटर कर सकें? मैं बस यही बोलूँगी कि सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, अपने अपने एम्स होते हैं, बस अपने एजुकेशन में फोकस करें, वही सबसे बड़ा एम उसी को रखिए, क्योंकि सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है। एंड सिर्फ एक चीज़, अभी एक चीज़ दिखा गया है कि अभी के टाइम सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, मतलब स्किल भी होना चाहिए। डिग्री बहुत लोगों के पास है, इनफैक्ट हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग डिग्री लेके पास होते हैं, उसके कुछ ही ऐसे हज़ारों लोग होते हैं जो कि कुछ कर पाते, कुछ बड़ा फोड़ पाते हैं, और बाकी लोग नहीं कर पाते, उसके बाद कुछ कम पैसों के लिए जॉब के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ आपको कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही जॉब नहीं होती है, सब डिपेंड नहीं बनते हैं, कमाई का इनकम का बहुत सारे ज़रिया होते हैं, है ना। बिज़नेस हो गया, फिर बहुत लोग जॉब करते हैं, घर में बिज़नेस करते हैं, किसी की खुद की फैक्ट्री है, खुद की कंपनी है, है ना। तो बस मैं, मुझे इतना कहना है कि सेल्फ डिपेंड बनिए आप, है ना। आपका कमाई का स्रोत जो भी हो, खुद का बिजनेस हो या आप कहीं और बाहर काम कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब, बहुत लोग जॉब करने विदेश भी जाते हैं, बस मैं यही कहना चाहती हूँ सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है, भले बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। 100% इंडिया में अभी भी ऐसे बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर क्या होता है, लड़की की जैसे 18 साल होने लगती है तो उनकी शादी का बात आ जाता है, मतलब उनका भी जीवन सिर्फ क्या शादी के लिए हुआ है, मतलब कुछ तो करना चाहती होंगी, 18 साल तक पालो उसके बाद शादी करवा दो, यही है उनकी लाइफ। तो इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वहाँ की लोगों की सोच ही वैसी है, वो समाज ही वैसा बना है, आप जाके वहाँ पे कुछ बोलेंगे ना तो आपको वहाँ से भगा देंगे, मार के भगा देंगे, या तो आपको गाली गलौज करेंगे। वो लोग नई पीढ़ी को, नई टेक्निक को अपनाना ही नहीं चाहते बिल्कुल। एग्जैक्टली 110% राइट, ऐसा ही होता है। मतलब गांव की तरफ ना अभी भी वही सोच है, पुराने जैसे सोच है, लड़की को मतलब पढ़ने से रोकते हैं, सोचते हैं कि लड़की पढ़ के क्या करेगी, ठीक है, तो मतलब शादी करा देते हैं, शादी तो करना ही है ऐसे करके, तो शादी करा देते हैं, और शादी के बाद इतने कम उम्र में शादी करने के बाद बहुत प्रॉब्लम होते हैं लड़कियों को, ये लड़की बता सकती है। मैं कहना चाहूँगा कि आप तो बहुत लकी है क्योंकि आपके पेरेंट्स आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है, बहुत कम लोग ही ऐसा होता है। तो इस पर कुछ ऐड कीजिए। मुझे तो ये पता नहीं था कि पेरेंट्स लोग भी ऐसे होते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर जुड़े हैं जो मुझे बोलते हैं कि दी आप बहुत लकी हो, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर, आपका साथ देते, जबकि मेरे पेरेंट्स मेरा सपोर्ट नहीं करते, मैं अपनी बच्ची को लेकर, बेटी को लेकर अकेले रह रही हूँ, अकेले सर्वाइव कर रही हूँ, तो ये बहुत दुखद बात है। बट हाँ, एक चीज़ ये है कि जिस प्रकार से आपके भी हालात है ना, ऐसे इंडिया में बहुत से होंगे जिनके बारे में हमें को पता भी नहीं है, नहीं, बहुत से। मैं जानती हूँ, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अकेली विक्टिम हूँ, बट ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़े, उन्हें मैंने देखा कि हाँ कमेंट्स करते कि मेरा भी हालात ऐसे ही है। मतलब हम लोग को पता नहीं रहता, न्यूज़ वाले तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे ही नहीं, न्यूज़ छापेंगे नहीं, उनको टीआरपी से मतलब होता है, जितना उनका टीआरपी उतना उनको पैसा, जो पैसा देगा उसी के पास जाएंगे। मेरे अगर 50 के लगभग सब्सक्राइबर हैं तो उसमें 20 के तो होंगे, 20 के मतलब 20 के लोग 20,000 लोग ऐसे हैं जिनकी हालात करीबन ऐसे ही होंगे आपके जैसे, क्योंकि मोस्टली कमेंट सही है। हाँ, मैंने देखा, मैं जितने बार भी आपके वीडियोस में देखता हूँ ना, लोग आपके जैसे रिलेट करते हैं, आपको देख के रिलेट करते हैं, वैसे ही कमेंट्स करते हैं। कुछ कुछ ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो कि आपके जैसे सिचुएशन है, मैं देखा। हाँ बहुत। एंड
पता नहीं ये कब तक ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा। इंडिया में तीन तलाक भी ख़त्म हो गया, बस ऐसा क्यों नहीं ख़त्म होता कि ऐसे छोड़ देते बीच रास्ते में शादी करने के बाद। इस पर कुछ नियम लागू होना चाहिए। कोई और लड़की पसंद आ गई तो मतलब शादी के बाद उससे शादी कर लो, ऐसा बहुत होता है इंडिया में, ऐसा बहुत होता है। उसके बाद जो लड़की होती है वो तो दूसरी तरफ जाती नहीं है लड़के की तरह, बहुत कम ही ऐसे होती है। क्या आप अभी भी अपने पति को प्यार करते हैं? तो और एक चीज़, अभी जो इनका इनकम है ना यूट्यूब से, अभी तक जो मेन इनकम है एडसेंस का वो नहीं आया, यूट्यूब से जो इनकम आता है गूगल से, बट अभी इनका स्पॉन्सर से काफ़ी अच्छा इनकम हो रहा है, लाखों रुपए से कमा रहे हैं। कुछ दिन बाद यहाँ पर BMW, थार, लैम्बोर्गिनी सब खड़ा होगा। अभी तो सिर्फ एक क्या है, Volkswagen। मुझे उतना नहीं पता कार के बारे में। अक्सर क्या होता है कि ज़्यादातर यूट्यूबर के पास मेल किस लिए आता है? कोलैब के लिए आ सकता है, स्पॉन्सर के लिए आ सकता है, या कुछ और के लिए, फंक्शन वगैरह के लिए आ सकता है। बट जब से दी इस मुकाम पे पहुंच गया, पैसा कमाने लगे, तो दी के पास क्या ही मेल आता है पता है? स्पॉन्सर तो आता है, उससे कई गुना ज़्यादा किससे आता है? शादी के लिए प्रपोज करते हैं। इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मतलब सक्सेस हुई नहीं, मतलब चलो हर फील्ड में ऐसा ही है। सबको बस सॉरी बोलूँगी, सबको सॉरी। हाँ सब सुन लीजिए, सबको सॉरी, किसी का एक्सेप्ट नहीं किए। जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया मतलब बहुत प्रॉब्लम आया होगा, और साथ ही क्या उस टाइम आप अपने पति से कांटेक्ट करने की कोशिश की, बात करने का? और जो अंजलि हैं, जो आपसे बात करने के बाद मुझे पता चला जो अंजलि हैं जिनके साथ अभी वो रहते हैं शायद, तो उनके साथ भी कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उनको समझा ही नहीं कि आपके लाइफ से चला जा करके, कि वो आपके लाइफ में बाधा ला रहे हैं? मैं आपके बोल रही, मैं आपको, मैं जब मेरा डिलीवरी हुआ मैं हॉस्पिटल में जाके बहुत कॉल की, कुछ नहीं हुआ। जब मेरी रिशू हुई तब भी बहुत कॉल की, कुछ नहीं हुआ। मेरी रिशू 5 मंथ की थी, मैं तब तक उस इंसान को कॉल की, कोई रिस्पांस नहीं। और अंजलि को मैं शायद एक हफ्ते पहले तक भी मैं उसको कॉल की हूँ, क्योंकि मेरे को उससे बात करना है। क्यों मेरा घर बर्बाद किए वो? क्योंकि मैं उसको बहुत इंस्टाग्राम बोलो, फेसबुक बोलो, नॉर्मल मैसेज बोलो, जो मुझे मिलता रास्ते में सबका फ़ोन पकड़ती हूँ और उसको मैसेज करती हूँ, कॉल करती हूँ कि क्यों मेरा घर बर्बाद किया, जबकि मैं उसको बोली थी कि तू चले जा हमारे लाइफ से। इतने सब कुछ होने के बाद भी आप अभी भी उस आदमी के बारे में सोचते हैं, अभी भी बोलते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं? सैल्यूट, इस चीज़ के लिए सैल्यूट। पता नहीं ऐसा कोई और कर पाएगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। पहले ही मैं ऐसा इंसान देखा हूँ कि इस हद तक प्यार कर सके, जिस टाइम इनको उनके सबसे ज़रूरत थी उसी टाइम उन्हें छोड़ के चला गया, और फिर भी आखिर कैसे? और अभी के टाइम देखे तो ब्रेकअप हुआ कि नहीं, मतलब कुछ भी करने लग जाते हैं, दारू वारू पी के इधर उधर, और दूसरे को मारने पीटने क्या क्या नहीं होता। और आपने ये सब छोड़ के फिलहाल उनको प्यार करते ही हैं, साथ में अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाया जाए इस पर आप ध्यान दिए, उसके कारण आज आप इस मुकाम पे हैं। तो कुछ ऐड कीजिए कि आखिर ऐसे कैसे? मुझे बहुत लोग आप बोलेंगे कि आप क्यों प्यार करते हो उनको, 110% है ना, आपको साथ गलत किए हैं, आपको नहीं करना चाहिए, बहुत बोलेंगे। तो किसी को अगर दिल से प्यार करो ना, तो इंसान कितना भी बुरा हो वो दिल से नहीं निकलता। हाँ भले मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं, बट प्यार लाइफ टाइम उसी को करूँगी, साथ रहूँ ना रहूँ वो बात की बात है। तो आप अंजलि को क्या बताना चाहेंगे? इस वीडियो को जरिए बताइए, इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए जिससे कि उस तक बात पहुँच जाए कि क्यों आखिर इनके साथ ऐसा कर रहे हैं, बताइए आप। हाँ मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगी, ऊपर वाला है ना वो जवाब दे देगा। धन्य हो आप, धन्य हो। ऐसा कैसे हो सकता है कोई, मतलब इतने हम्बल नहीं, क्योंकि मैं उसके पैर तक पकड़ी हूँ, रोज उसको सामने गिड़गिड़ाई हूँ मैं, बस अब नहीं। ठीक है, आप अभी जिस मुकाम पे हैं और आगे बढ़िए, 1 मिलियन 10 मिलियन पूरा क्रॉस कर दीजिए, हम लोग और पॉडकास्ट बनाएंगे, पार्टी करेंगे, केक काटेंगे बहुत ही जल्द। मैं आपको यही बोलूँगा, सुनने को मिला कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तो किस चीज़ में आप टॉप किए, सब कुछ हुआ? मैं मेरिट लिस्ट में आई थी MSc में, MSc मेरे में टॉप 10 में, MSc मेरिट लिस्ट। सोच सकते हो सिर्फ यूट्यूब में नहीं, मेरिट लिस्ट में भी आ चुकी है, तो किसके साथ बैठा हूँ मैं? 50,000 सब्सक्राइबर, मतलब इतने बड़े सेलिब्रिटी,
मैं फिर से बोलना चाहूँगा 50 के कोई कम नहीं है, ठीक है। पखानजुर में सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ आता है ना इनके चैनल में आता है। आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, वो क्वेश्चन मुझे बहुत बढ़िया लगा, इस वीडियो के रिलेटेड है नहीं, ठीक है, पॉडकास्ट के रिलेटेड, बट मज़ा आएगा। एक टोकरी है, 5 अंडा है, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को 1-1 अंडा देना है। फिर से सुन लीजिए, एक टोकरी, टोकरी में 5 अंडा, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को 1-1 अंडा देना है, एंड लास्ट में टोकरी में 1 अंडा रहना चाहिए। अब कैसे? बहुत ही मजा आने वाला है। बोलिए बोलिए। एक अंडा पूरा? हाँ, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को 1-1 अंडा देना है, बट टोकरी में 1 अंडा रहना चाहिए। सोचिए सोचिए। अब मैं बोलूँ, 4 बच्चों को 1-1 अंडा, बचा कितना? 1। टोकरी में बचा, टोकरी उठा के दे दो लास्ट बच्चे को, टोकरी में रहना चाहिए। समझे कुछ? एंड आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए। छोटे से चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाय, टाटा। कुछ बोलना चाहेंगे मेरे ऑडियंस को? तो सपोर्ट कर दीजिए इसको भी। तो फिर से धन्यवाद। सो फाइनली पॉडकास्ट का शूट कंप्लीट हो चुका है, मैं अभी घर पहुंच चुका हूं, एंड बहुत ही मजा आया उनके साथ शूट करके। एक बार भी लगा नहीं कि मैं इतने बार यूट्यूबर के साथ बैठा हूं। उनका लगभग 50,000 के करीब सब्सक्राइबर होने वाला है, लाखों रुपये महीने के कमा रहे हैं, फिर भी मतलब मुझे लगा ही नहीं कि इतने बार यूट्यूबर के साथ मैं बैठा हूं। एंड इस वीडियो को शूट करने के टाइम बहुत ही मजा आया, उसका पूरा व्लॉग कल इसी चैनल में अपलोड हो जाएगा, और आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, वो व्लॉग भी बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। एंड आगे इस चैनल में बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड आपको बिजनेस एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे, साथ में ऐसा पॉडकास्ट तो आते ही रहेगा आपसे। ये नया सीरीज स्टार्ट किया हमने, एंड वंस अगेन इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, हम दोनों का, मेरा और दीदी का, आप जाके फॉलो कर सकते हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड लेट्स रॉक।